जींद की रॉयल डिफेंस एकेडमी में बच्चे को बुरी तरह से पीटा गया, शरीर पर चोट के नीले निशान, जिसके चलते परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। जींद में सेक्टर 8-9 के पास आर्मी व सैनिक स्कूल में दाखिले की तैयारी करवाने वाली रॉयल डिफेंस एकेडमी में बच्चों के साथ क्रूरता का व्यवहार किया जा रहा है। बच्चों को बुरी तरह से इस एकेडमी में पीटा जा रहा है, जिससे उनके शरीर पर नीले निशान पड़ जाते हैं। नरवाना के वकील हंस मोर ने अपने बड़े बेटे का दाखिला बीती 22 मार्च को रॉयल डिफेंस एकेडमी में करवाया था। 30 अप्रैल की शाम को उनके छोटे बेटे का जन्मदिन था, जिसके चलते वह अपने बड़े बेटे को एकेडमी से घर लेकर गया था। जब उसके कपड़े बदले गए तो उसे बुरी तरह से पीट रखा था। जींद में बच्चे की काउंसलिंग आज करवाई गई। जींद बार के प्रधान रामरूप चहल ने बताया कि एसोसिएशन के प्रधान नवीन चोपड़ा व बच्चे के पिता ने आरोप लगाए हैं कि पुलिस ने सिर्फ FIR दर्ज की है। संचालक अशोक कुमार व पीटने वाले टीचर विवेक पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते परिजनों में रोष है। जिसके चलते 164 के बयान आज बच्चे के दर्ज किए गए। बच्चे के पिता ने बताया कि एकेडमी में 10 साल की लड़कियां भी हैं, इसलिए वहां पर छापेमारी की जाए और जिन बच्चों को टॉर्चर किया गया है उसकी जांच की जाए। एकेडमी संचालक पर सख्त कार्रवाई की जाए। अवैध रूप से चल रही इस तरह की सभी एकेडमी को बंद करवा जाए, क्योंकि यह बच्चों का भविष्य बिगाड़ रही है। तो एक महीने पहले मैंने रॉयल डिफेंस एकेडमी है जो जींद में सेक्टर 8-9 के नज़दीक, उसमें डाला था कोचिंग के लिए। सैनिक स्कूल और आर्मी स्कूल की वो कोचिंग करवाते हैं। किसी जानकार से पता करके उसमें मैंने बच्चे को छोड़ा था एक महीने पहले, और 30 तारीख को शाम 5 बजे में मेरे बच्चे को घर में एक छोटा सा फंक्शन था, उसमें शामिल करने के लिए बिना कोई सूचना दिए एकेडमी संचालक को मैं इसको लेने पहुंच गया। और कुदरती हुआ कि ये मेरे को एकेडमी का गेट खोलते ही सामने ही मिल गया, और मैं इसको लेके घर चला गया। तो शाम को हमने फंक्शन कर लिया, और शाम को 8-1 बजे के तकरीबन इसकी मम्मी बच्चे के कपड़े बदलने लगी, तो इसके कुल्ले से लेके नीचे पैर तक टखने तक बहुत ज़्यादा चोट के निशान थे, बहुत ज़्यादा नील पड़े हुए थे, जैसे किसी पशुओं को भी नहीं मारता कोई, ऐसे इस तरीके का उस टीचर ने इसके साथ व्यवहार किया। और अगले दिन फिर मैंने मेडिकल करवा लिया और उनकी शिकायत सिविल लाइन थाना में दर्ज कर दी। एक और बात है, एक और बच्चा है वहाँ जींद का ही रहने वाला है, उसको भी इसी तरीके से पीट रखा है उन्होंने एकेडमी वालों ने, उसको भी बुरी तरीके से टॉर्चर कर रखा है। मेरे बच्चे को पिछले हफ्ते भी पीटा था इसी तरीके से, 22 तारीख को दिन शुक्रवार को, उस दिन भी इसी तरीके से पीटा था इस बच्चे को, और डर और भय उन्होंने इतना दिखाया इस बच्चे को कि मैं इतवार के दिन मेरे छोटे बच्चे के साथ इससे कम से कम 1-1.5 घंटा एकेडमी में मिलने गया था, और ये मेरे दोनों बच्चे 1-1.5 घंटा खेले, खाया पिया इन्होंने, और मैंने सारी बातें पूछी, हाँ बेटा मन लग गया, हाँ लग गया, टीचर डांटते मारते तो नहीं, कहना जी कोई कुछ नहीं मारता, प्यार करते हैं, सब अच्छे से पढ़ाते हैं, ये कुछ भी नहीं बता सका अपने पहले वाली पिटाई के बारे में भी। और ना ही इसने इस शनिवार को 30 तारीख को मैं इसको 5 बजे मिला था शाम को, और 8 बजे तक इसने कुछ नहीं बताया। मेरे साथ जींद से नरवाना गाड़ी में गया, 1 घंटा का सफ़र भी था हमारा, ना उस दौरान बताया, ना घर जाके पेरेंट्स को किसी को भी नहीं बताया। और जब चोट के निशान देखे तो 3-4 घंटे लगे इससे प्यार से परिवारजनों को इकट्ठा करके, दादा दादी को बुला के, बुआ को बुला के। हमारे वकील साथी हर्ष मौर जी, जिनका लड़का यहाँ रॉयल डिफेंस एकेडमी में वो सैनिक स्कूल की कोचिंग के लिए, इन्होंने पिछली 22-3-2022 को ही एडमिशन उसका यहाँ पे करवाया था,
तो कल दिनांक 30/4/2022 को श्याम को इनके छोटे बेटे का जन्मदिन था और जन्मदिन को मनाने के लिए वो इनके बेटे को यहाँ डिफेंस एकेडमी से वो घर लेके गए। तो वहाँ फंक्शन मनाया, फंक्शन मनाने के बाद जब 8 बजे इसकी मदर ने जब उस लड़के की कपड़े चेंज किए तो उसको देखा कि इसको पूरी तरह से वहाँ पे पीट रखा था। तो जैसे ही आज सुबह वकील साहब ने हमारे को बताया तो हम यहाँ जींद आए, जींद में एक और उनकी काउंसलिंग करवाई गई। पुलिस ने सिर्फ एक FIR दर्ज करके उसके बाद अब तक इस टाइम तक कोई पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है, ना बच्चे के 164 के बयान अब तक दर्ज हुए हैं, ना ही पुलिस ने जो एकेडमिक संचालक है अशोक कुमार और जो विवेक है जो वहाँ जिसने टॉर्चर इन बच्चे के साथ किया है उसके खिलाफ अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो हमारे तो प्रशासन से यही है भाई, जो भी बच्चे वहाँ लड़कियाँ भी हैं, जैसा कि छोटू ने बताया कि वहाँ 9-9, 10-10 साल की लड़कियाँ भी वहाँ पढ़ती हैं और 40-50 के लगभग लड़के भी वहाँ हैं। तो हमारी प्रशासन से यही है भाई, वहाँ उस एकेडमी में छापा मारा जाए और वहाँ छापा मार के उन और किसी भी बच्चे के साथ अगर टॉर्चर हुआ हो तो उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त एकेडमी का जो संचालन है अशोक कुमार और इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आगे की आप किस तरह की डिमांड रखते हैं? डिमांड हमारी यही है भाई, जिस भी बच्चे के साथ टॉर्चर हुआ है उन बच्चों की स्टेटमेंट ली जाए और इस जो ये अनऑथोराइज जो ये अकेडमियाँ चल रही हैं प्रशासन से हमारी डिमांड है भाई इनको बंद करवाया जाए ताकि बच्चों का भविष्य बनाने की बजाय बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हैं। मैं नवीन चोपड़ा एडवोकेट, प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन नरवाना। जी सर, आज मेरे पास नरवाना बार से नवीन चोपड़ा जी प्रेसिडेंट साहब आए थे और उनके साथ अपने मोर साहब आए हैं। उनकी ये शिकायत थी कि जिनका बेटा वहाँ एकेडमी में था उन्होंने एकेडमी वाले ने उसको टॉर्चर कर रखा है। हम यहाँ ऑफिस में बैठे जी, हमने बच्चे की हालत देखी, पुलिस ने FIR दर्ज कर दिया। अभी मैं इसके संज्ञान में SP साहब से मिल के आया हूँ। SP साहब ने भी पूरा आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेरी तो प्रशासन से यही मांग है जी, जो ये अनऑथराइज एकेडमी चल रही हैं, जैसे कि उन्होंने मोर साहब ने बताया कि इसका संचालक अशोक कुमार है कोई, उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी काम करती है उससे भी ये गुजारिश करूँगा कि उस एकेडमी के ऊपर छापा मार के जितने बच्चे वहाँ हैं, जैसा कि मोर साहब ने बताया वहाँ लड़कियाँ भी 8-8, 9-9 साल की, तो उनके ऊपर भी सबको बच्चों से मिल के उनकी काउंसलिंग करके कि बच्चों की मेंटल हालत क्या है, वहाँ रहने का ढंग क्या है उनका। अब जैसे इस बच्चे को टॉर्चर कर रखा है, हो सकता है उनके साथ और भी फिजिकल असोल्ट वहाँ हो रहा हो। तो मेरी प्रशासन से यही मांग है, जैसे SP साहब के सामने मैं यही रिक्वेस्ट करके आया हूँ कि उस एकेडमी के ऊपर छापा मार के वहाँ को जो भी संचालक है उसका, अशोक कुमार जो उसका संचालन कर रहा है, उसको ये नहीं पता कि इतने बच्चों को टॉर्चर उसकी एकेडमी में किया जा रहा है। जैसा कि मोर साहब ने बताया कि इस बच्चे का फ़ोटो खींच के अकेडमी के पास व्हाट्सअप कर दिया गया था अशोक कुमार जी के पास, उसके बाद अशोक कुमार ने कोई कार्रवाई नहीं की। और जो ये विवेक नाम का जो टीचर है ये कोई मेंटली डिस्टर्ब आदमी हो सकता है, अदरवाइज छोटे बच्चे को इतनी बुरी तरह से कोई नहीं मार सकता। तो मेरा तो प्रशासन से बार बार यही आग्रह है कि इन अकेडमियों के ऊपर कार्रवाई करके और बच्चों की काउंसलिंग करके इसमें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन को भी संज्ञान लेना चाहिए और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मैं राम रूप चहल एडवोकेट, प्रेजिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन।